महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले एक घंटे के भीतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने चार दिन पहले शनिवार सुबह राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मौजूदगी में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं राज्यपाल को इस्तीफा देने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने सबसे बड़ा जनादेश भाजपा को दिया, हमें 70% और शिवसेना को 40% सीटें मिली हैं। उन लोगों ने मोल भाव शुरू किया, हमने साफ कहा था कि जो बात तय ही नहीं हुई उसकी जिद ना करें। फडणवीस ने कहा कि तीन पहियों वाली सरकार अपने ही बोझ तले दब जाएगी। इससे पहले मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मामले में फैसला सुनाया और बुधवार शाम 5 बजे तक विधायकों की शपथ और इसके बाद फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक हुई। इस बैठक के 2 घंटे के अंदर ही फडणवीस और अजीत ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। फडणवीस ने कहा कि शिवसेना राकांपा और कांग्रेस की सरकार अपने ही बोझ तले दब जाएगी। शिवसेना के नेता सोनिया गांधी के नाम की कसम खा रहे थे, हमें आश्चर्य हुआ कि सत्ता के लिए वे कितने लाचार हैं। फडणवीस ने कहा कि जनता ने हमारे गठबंधन को बहुमत दिया था और भाजपा को संपूर्ण जनादेश दिया था और सबसे बड़े दल के नाते 105 सीटें मिली। यह जनादेश भाजपा के लिए था, हमें 70% सीटें जीती, शिवसेना सिर्फ अपनी 40% सीटें जीती। गठबंधन को जनादेश था ही, लेकिन भाजपा के लिए यह बड़ा जनादेश था। इसका सम्मान करते हुए हमने सरकार बनाने की कोशिश की। दुर्भाग्य की यह है कि बात कि कभी तय नहीं हुई थी, यानी मुख्यमंत्री पद शिवसेना को देने का प्रस्ताव उसकी बात होती रही। नंबर गेम में अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है, यह सोचकर उन लोगों ने मोल भाव शुरू किया। फडणवीस ने कहा, हमने कहा था कि जो तय हुआ है वही देंगे, जो तय नहीं हुआ था वह नहीं दे सकते। हमने चर्चा करने की बजाय वेराकांपा और कांग्रेस से चर्चा कर रहे थे। जो लोग मातोश्री के बाहर से नहीं गुजरते वे उस भवन की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला था, इसलिए राज्यपाल ने हमें बुलाया। हमने कहा था कि हमारे पास संख्या नहीं है, इसलिए हमने सरकार बनाने का इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि शिवसेना और राकांपा को भी बुलाया गया, लेकिन उनके पास भी संख्या बल नहीं था। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी दूसरे पक्ष में चर्चा शुरू थी कि तीनों दल मिलकर सरकारें कैसे बनाएंगे, लेकिन उनमें आम सहमति नहीं बन पा रही थी। इन तीनों दलों का विचारधारा के मामले में आपस में कोई संबंध नहीं था, फिर भी सरकार बनाने के लिए तत्पर थे। महाराष्ट्र में कितने दिन राष्ट्रपति शासन रहेगा, इस सवाल के साथ अजित पवार ने सरकार गठन के मामले में सहयोग करने का प्रस्ताव दिया। हमने उनसे चर्चा की और उन्होंने हमें सरकार बनाने का आधार बनाने लायक पत्र सौंपा। जब आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और जब बुधवार को बहुमत साबित होना है, तब अजीत पवार ने हमसे मुलाकात की और कहा कि कुछ कारणों से वे इस गठबंधन में नहीं रह सकते। उन्होंने अपना इस्तीफा मुझे सौंपा है। उनका इस्तीफा आने के बाद हमारे पास भी बहुमत नहीं है। भाजपा ने पहले दिन से एक भूमिका ली थी कि हम किसी विधायक को नहीं तोड़ेंगे, हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अजीत पवार के इस्तीफे के बाद हमने भी फैसला लिया कि खरीद फरोख्त में ना जाते हुए हम भी इस्तीफा दे देते हैं। मैं राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राकांपा, कांग्रेस और शिवसेना की भी बैठक हुई। इसमें शाम 5 बजे गठबंधन का नेता चुने जाने का फैसला लिया गया। कांग्रेस ने बाला साहब थोराट को प्रमोट स्पीकर बनाने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि वे विधानसभा में सबसे वरिष्ठ नेता है, थोराट 8 बार विधायक है। थोराट को कांग्रेस विधायक दल का नेता भी चुना गया है। राकांपा ने जयंत पाटिल को विधायक दल का नेता चुना है। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि यह गलत सूचना फैलाई जा रही है कि अजीत राकांपा के विधायक दल के नेता है, जो सभी राकांपा विधायकों को शक्ति प्रशिक्षण में भाजपा को वोट करने के लिए विहित जारी करेंगे। मैंने कई संविधान विशेषज्ञों से विचार किया है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अजीत को पद से हटा दिया है, उनके पास विधायकों को व्हिप जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अवैध तरीके से सत्ता पर कब्जा करने वालों को अब हटाना होगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अजीत दादा ने इस्तीफा दे दिया है, वे हमारे साथ हैं,
उद्धव ठाकरे 5 साल के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। होटल में विधायकों की परेड को आप शक्ति प्रदर्शन कहते हैं, उसे हम शक्ति प्रदर्शन नहीं कहते हैं। हम देश की जनता को दिखाना चाहते हैं, महाराष्ट्र की जनता को दिखाना चाहते हैं, राष्ट्रपति भवन और राजभवन को दिखाना चाहते हैं, और जिसने चोरी छिपे मुख्यमंत्री की शपथ ली उसे भी दिखाना चाहते हैं। आपने संविधान की हत्या की है, बहुमत हमारे पास है, इस देश का नारा सत्यमेव जयते है, लेकिन आपने सत्यमेव जयते की भी हत्या की है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या बाबा साहब ने संविधान इसलिए बनाया था कि बहुमत की हत्या करे। सोमवार रात को विपक्षी दलों के 162 विधायकों ने मुंबई के ग्रैंड हायत होटल में एक साथ पहुंच शक्ति प्रदर्शन किया। इसमें तीनों पार्टी के प्रमुख नेता, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, राकापा प्रमुख शरद पवार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट शामिल हुए। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई कि उद्धव ठाकरे कल मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। एनसीपी के जयंत पाटिल और कांग्रेस के बाला साहब थोराट उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ठाकरे को आज शाम गठबंधन का नेता चुना जाएगा। जानकारी के मुताबिक विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को दिया जाएगा। इसी के आधार पर राज्यपाल उद्धव ठाकरे और बाकी दोनों नेताओं के शपथ दिला सकते हैं। इसके साथ ही खबर ही कल विधानसभा का सत्र बुलाकर महाविकास अघाड़ी से बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है। बता दें कि आज ही डिप्टी सीएम के तौर पर अजीत पवार और सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे का ऐलान किया था। महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन रहेगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस के गठन लेते होते इस बात के चिंतित होके सहकार्य करायचं ठरवलं। जो एनसीपी के लेजिस्लेटिव असेंबली में जो नेता थे चर्चेच्या अनुरूप वो हमारे साथ चर्चा में आए पत्र दिलं, और उस चर्चा के बाद उन्होंने राष्ट्रपति शासन की वजह से कब तक महाराष्ट्र सफर करेगा ये सोच के हमको एक लेटर दिया, आज ज्यावेळी कोर्टाचा निर्णय आला और उसके बाद फिर हमने सरकार बनाई। उद्या आज जब कोर्ट का डिसीजन हुआ और कल हमको जब फ्लोर टेस्ट देना है, श्री अजित दादा पवार यांनी मला भेटून सांगितलं, तब उन्होंने मुझे मिलके बताया कारणाने मी या अलायन्स मध्ये कंटिन्यू होऊ शकत नाही, इस सरकार में मैं शामिल नहीं हो सकता, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है। राजीनामा मला सुपूर्द केला और उन्होंने अपना इस्तीफा मुझे दे दिया। अब उनकी इस्तीफा आने की वजह से बहुमत उरलेलं नाही, तो हमारे पास भी अब बहुमत नहीं है। भारतीय जनता पक्षाने पहिल्या दिवशीपासून ही भूमिका घेतली होती, भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से बोला था हमारे पास आंकड़ा नहीं है, आम्ही कुठलाही घोड़े बाजार करणार नाही, हम कहीं से भी कुछ खरीदी करेंगे नहीं, ना कोई हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा गट जब एक एनसीपी का पूरा एनसीपी हमारे साथ आ गया आणि ज्यावेळेस त्यांनी या ठिकाणी राजीनामा दिला और जब उन्होंने इस्तीफा दिया कि कुठलाही घोड़े बाजार न करता, तो हमने भी तय किया कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, राजीनामा देऊ, और हमने भी तय किया कि हम भी इस्तीफा देंगे। संपल्यानंतर मी राज्यपालांकडे जाणार आहे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं राज्यपाल के पास जा रहा हूँ, गवर्नर के पास, और मेरा इस्तीफा दे रहा हूँ। खरं म्हणजे आता जे सत्ता स्थापन करणार आहेत त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत। अब मैं जो सत्ता स्थापन करने जा रहे हैं मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। किते चांगले सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करतील, मुझे आशा है कि वो अच्छी सरकार इस महाराष्ट्र को देंगे, कि सरकार आपल्या ओझ्याखाली दबे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सरकार अपने ही बोझ के तले दब जाए, भिन्नता है क्योंकि इन तीनों दलों में इतनी भिन्नता है कि शिवसेनेचे नेते हे सोनियाजींची शपथ घेत होते, भिन्नता है लेकिन स्थिति ये हो गई कि सोनिया जी के नाम से शपथ ले रहे थे शिवसेना के एमएलए, कितनी मोठी लाचारी, तो सत्ता के लिए कितना लाचार होता है आदमी इससे दिखाई देता है। शिवसेनेच्या नेत्यांना स्वीकारावी लागते पण त्यांना ती लाचारी लखलाभ आहे, वो लाचारी उन्हीं को हा जो काही या ठिकाणी भाजप हटावचा अजेंडा घेऊन हे सगळे लोक केवळ सत्तेकरता एकत्रित आले आहेत। इनका एजेंडा सिर्फ सत्ता में रहने का है, सत्ता के लिए इकट्ठा हुए हैं। अत्यंत प्रभावी विरोधी पक्षाचं काम करें, हम एक प्रभावी जनतेच्या समस्या अपोजिशन पार्टी का काम करेंगे, पोहोचवून सोडवण्याचा प्रयत्न करें, हम आम आदमी की आवाज बनकर उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे।
पण मला निश्चित ही शासनकता आहे की इतका विरोधाभास असलेलं सरकार, मुझे इस बात की आशा है, मुझे मैं इस बात के आश्वस्त हूँ, चाकं असलेलं सरकार वेगानं धावतं की इतना विरोधाभास वाली सरकार आहे की दो पहिये वाली गाडी तो बहुत चलती है, ऑटो रिक्षा देखील धावतो, तीन 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 पहिये वाला ऑटो रिक्षा भी दौड़ता है, तीन बाजूला जर धावायला लागले तर त्याची काय अवस्था होते, और वो तीन पहिये वाला ऑटो रिक्षा के दो पहिये जब अलग अलग चलेंगे तो उसकी क्या स्थिति होगी, ही शंका माझ्या मनामध्ये आहे, ये शंका मेरे मन में है की सरकार का भी ऐसा नहीं हो जाए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।